जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट में फ्रंट व्यू, सेकंड में साइड व्यू और थर्ड में टॉप व्यू। ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू है जी, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे जी। उसके बाद यहाँ पे हर पार्ट को अलग अलग भागों में करके दिखाएंगे, जैसे फ्रंट व्यू कहाँ पे बन रहा है तो फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, साइड व्यू देन टॉप व्यू, यानी फ्रंट से दिखने पे कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा, देन साइड से भी देखने पे कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा, और टॉप से भी देखने पे हमारा कितना पार्ट दिखाई देगा, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ग्राफ बना चुके हैं जी। जिनको अगर ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम हो रही है जी, तो मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट से जाके देखिए, वहाँ पे बहुत ऐसा वीडियो डाला गया है जी, बहुत पुराना वीडियो, वहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए ए टू जेड आप लोगों को बताया गया है जी। क्लियर हुआ? उसके बाद ध्यान देंगे जी, यहाँ पे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले आप लोगों को बताया कि सिंपल एक क्या करते हैं जी, रफ वर्क करते हैं जी। तो रफ वर्क कर लीजिए, एक काल्पनिक क्या होगा जी, यहाँ पे हम लोग एक काल्पनिक यहाँ पे एक ग्राफ मान लीजिए जी। देन यहाँ पे देखिए, ये फिगर के हिसाब से जैसे रहेगा, ये किस एंगल में हमको थर्ड एंगल में हमको सॉल्व करना है जी इसको ऑर्थोग्राफी, तो हम लोग थर्ड एंगल में ही यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करेंगे पहले जी। तो सबसे पहले ये फ्रंट व्यू है जी, तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे फ्रंट व्यू रहेगा जी। देखिए ये लेफ्ट साइड में है जी, इस आइसोमेट्रिक व्यू के लेफ्ट साइड में क्या है, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे, देन साइड व्यू हमारा क्या है, फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में रहता है जी साइड व्यू, देन फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर क्या होगा जी हमारा टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी? अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो इस टाइप में हम लोग आगे की तरफ फिगर को ड्रॉ करना शुरू करेंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे जी, सेट स्क्वायर लेंगे जी, देन फ्रंट व्यू का टोटल बीस देख लेंगे कितना है जी। तो काउंट कीजिए, 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40 और 10, 50। टोटल तो फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा जी, यहाँ पे बनेगा जी, बिल्कुल दिख रहा है जी आप लोगों को। अब यहाँ पे हम लोग फ्रंट व्यू का ये मेजरमेंट हम लोग यहाँ पे मार्किंग पॉइंट कर लेंगे जी। तो सबसे पहले हमारा 10 है, देन ये भी 10 और 10, उसके बाद हमारा 15 है, और फिर हमारा ये। क्लियर हुआ जी? उसके बाद टोटल हाइट देखेंगे जी, हाइट टोटल कितना है, ये कितना है जी, ये 25 और 5, 30 और 20, 50 है। तो यहाँ से देखेंगे 50 हाइट हम ले लेंगे जी, और ऊपर से कितना है जी, ऊपर से 20, 10, 10, 20, उसके बाद ये हमारा 5। क्लियर हुआ जी? तो यहाँ से हम लोग ये हो गया। देन पहले फ्रंट व्यू ही क्लियर कीजिए जी, तब आप लोगों को साइड व्यू बताते हैं। तो देखिए ये जो भी मार्किंग की है सभी से क्या करेंगे जी, लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए ये वाला हमारा एक्स एक्सिस होता है जी ये ग्राफ में, देन ये वाला लाइन जो तीन को खींचे हैं जी, इसको वाई एक्सिस के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सेट स्क्वायर वाई एक्सिस के बराबर रख के और एक्स एक्सिस के समानांतर रेखा ड्रॉ करेंगे यहाँ पे जी। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ से भी हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे जी। देखिए ध्यान से देखेंगे, ये वाला यहाँ से जो पार्ट है जी, यहाँ से देखेंगे। क्लियर हुआ जी? उसके बाद यहाँ से ये वाला, देन ये वाला, फिर ये वाला जो लाइन है जी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे जी, ड्रॉ करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी होगा जी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो कहीं परेशानी नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे एक यहाँ पे हम एक और ब्लॉक बनाएंगे जी, इसका कार्य है, कैसे बनाएंगे वहाँ पे, क्यों बनाएंगे यहाँ पे देखेंगे जी। देखिए 5 mm है, तो यहाँ पे भी और सेम टू सेम यहाँ पे भी, अब इसको भी हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। देखिएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, प्रॉपर बैठा लेंगे ऐसे। देखिए प्रॉपर बैठाने के बाद ये वाला यहाँ से लाइन हो गया, देन ये वाला लाइन देखिएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट है ना जी, तो यहाँ से प्रॉपर इसको ऐसे। क्लियर हुआ इतना जी? उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये जो भी लाइन है जी, या जो भी ये लाइन हम लोग लिए हैं, तो यहाँ से सबको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान से देखेंगे जी, ये जो भी मार्किंग ऊपर किए हैं जी फ्रंट व्यू में, तो सबको हम लोग यहाँ से ये वाला सबको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जी, सभी लाइन से। देन उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये वाला हमारा पॉइंट। क्लियर हुआ जी? अब उसके बाद देखेंगे फ्रंट व्यू से हमको दिखने पे कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा, तो उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो फ्रंट व्यू से देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे जी, HB पेंसिल, या जो पेंसिल हमारी क्या है मोटी चलती है जी, उसको हम लोग ले लेंगे जी। जो मोटा पेंसिल चल रहा है जी हमारे पास है, उसको हम लोग ले लेंगे। ध्यान से देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला देखिए, यहाँ से देखिए ये वाला कौन सा लाइन हुआ जी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन है सो लाइन हमारा है, फ्रंट व्यू हमारा यही ना, तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बने, तो ये वाला लाइन देन ये वाला लाइन दोनों बगल से क्या करेंगे हम लोग ले लेंगे जी। तो दोनों बगल से लेने के बाद हम आपको देखिए ध्यान से, यहाँ से इसको भी यहाँ से डार्क कर लीजिए। क्लियर हुआ? उसके बाद अब आगे ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो लाइन है जी, इसको हम लोग यहाँ से इसको, और देन यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये जो भी लाइन है जी, इसको देखिएगा, यहाँ से भी कितना है जी 5 mm है, फिर इधर से भी 5 mm है। तो दोनों साइड से देखिए, इधर हम 5 mm का मार्किंग नहीं किए हैं जी, लेकिन हम लोग करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद पहले ध्यान से देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ से नीचे से कितना गया है जी, नीचे से हमारा ये लाइन कितना गया है जी, परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ से नीचे से देखिएगा, ये मेजरमेंट है जो
आप लोग दूसरा थोड़ा एक फिगर है जी, उससे हम आप लोगों को समझाते हैं जी। एक और फिगर इसका बनाए हैं जी, तो यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, एक और इसी आइसोमेट्रिक व्यू का एक और यहाँ पे फिगर है जी, ये भी सेम ही फिगर है इसके हिसाब से। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग देखिएगा क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेके ये वाला सरफेस जो है यहाँ से ये और यहाँ से ये वाला इसी का स्पेस है यहाँ से पार्ट, तो इसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कितना पे दिखाएंगे, तो ये प्रॉपर ध्यान से देखिएगा लोग, ये वाला लाइन हमारा यहाँ से हुआ, देन उसके बाद यहाँ से देखिए ये वाला टोटल हमारा हाइट कितना है जी, टोटल तो 50 है ही जी। उसके बाद से ध्यान से देखेंगे अब नीचे ये है जो इसको, अब यहाँ से इस लाइन को हम लोग प्रॉपर दिखा देंगे, क्लियर हुआ जी। देखिए अब उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट नोट कीजिएगा, अब आप लोगों को बता रहे हैं जी, यहाँ पे मार्किंग हम इसको करेंगे जी, ध्यान से देखेंगे यहाँ से और मार्किंग यहाँ पे करना है क्योंकि हमको आगे आवश्यकता है जी। देखिए ये 5, देन उसके बाद यहाँ से भी 5, अब ये जो मार्किंग किए हैं जी वहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए थोड़ा सा ये फिगर आप लोगों को आउट ऑफ रेंज आएगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, एक बार दो बार वीडियो को वॉच कीजिएगा सही से, तो आप लोगों को बाउंस नहीं होगा जी। तो आप लोग प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, देखिए ये वाला लाइन हमारा यहाँ से क्या हुआ जी, दिखा दिए। उसके बाद ये जो पेंसिल है उसके बाद ध्यान से देखेंगे ये वाला कौन सा पार्ट है जी, इसको भी दिखा रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है कौन सा है जी, ये वाला भाग है, ये वाला जो भागवा दिखाए ये वाला छोटा सा ये टुकड़ा दिखाई दे रहा है दोनों साइड में, सो ये टुकड़ा हो गया जी। देन उसके बाद यहाँ से ये वाला पार्ट देखिए, इधर से आपका 15, 5, 20 आए हैं जी, इधर से कितना आए हैं 20, दोनों साइड से 20-20 है। तो आप लोग इधर से भी यहाँ से टोटल यहाँ से 20 आ गया, फिर हमारा यहाँ से भी ये 20 हो गया जी, क्लियर हुआ। अब उसके बाद ये जो परपेंडिकुलर लाइन है जी 5, देखिए ये कौन सा है जी, देखिए इधर से भी 20 और इधर से 20, और फिर 5 mm का क्या हुआ है जी, हाइट हो गया जी। अब हाइट जाने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट फिर इससे 5 mm अंदर आए, तो यहाँ से 5 mm कहाँ है जी, अंदर है, ध्यान से देखेंगे ये वाला 5 mm का अंदर में आए हैं। फिर देखिएगा ये इस पॉइंट से भी ये वाला जो आके मिला यहाँ से भी कितना गया जी, 5 mm का अंदर गया जी। उसके बाद देखिए ये प्रॉपर क्या हुआ, एक दूसरे से मिल गया जी, तो हम लोग भी यहाँ से प्रॉपर एक दूसरे से मिला दें, क्लियर हुआ जी। फिर यही काम सेम टू सेम यहाँ पर भी कर दें, क्लियर हुआ जी। तो एक एक दो और उसके बाद ये वाला हमारा ये दो ये वाला पार्ट हमारा इतना तक बन गया, क्लियर हुआ कि नहीं जी। तो देखिए फ्रंट व्यू से हमको एक्यूरेट बस इतना ही पार्ट हमको राइट दिखाई देगा जी, और बाकी कोई पार्ट हमको दिखाई नहीं देगा जी, क्लियर हुआ जी। तो अभी ध्यान से देखिए, ये तो हमारा हुआ जी फ्रंट व्यू अभी बन के हमारा रेडी हुआ जी, अभी ध्यान से देखेंगे। अब फ्रंट व्यू बना लेने के बाद अब हमको क्या बनाना है, साइड व्यू। तो साइड व्यू में देखेंगे, साइड व्यू का बेस यहाँ पे 20 है, लेकिन एक पॉइंट नोट कीजिएगा, साइड व्यू से देखने पे ये वाला भी पार्ट दिखाई देता है, ये वाला पार्ट यहाँ पे कितना है 10 है, तो 20 10 30, समझ में आ रहा है जी। तो 30 हमारा क्या है जी, यहाँ पे यहाँ से ये वाला हमारा क्या है जी, तो 30 है जी। तो सबसे पहले हमारा ये है, देन ये है, उसके बाद हमारा ये है, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद जैसे हमको ये वाला जो बेस लाइन लिए थे जी, ये क्या जी सॉरी, ये जो परपेंडिकुलर लाइन फ्रंट व्यू में, देन उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, क्लियर हो रहा है जी। देन इसको भी आगे की तरफ ऐसा ही बढ़ाइए, देन ये वाला भी लाइन ऐसे ही बढ़ाएंगे, क्लियर हुआ इतना तक। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब एच बी पेंसिल लीजिए, देन उसके बाद देखिए ये 20x50 का ये ब्लॉक बना है देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये 20x20 का हो गया जी। देन उसके बाद ये वाला हाइट देखिए कितना गया जी, 25 गया जी। तो हाइट हम लोग यहाँ पे काउंट कर लेंगे, 25 कहाँ तक जा रहा है जी हमारा, 25 यहीं तक हमारा आ रहा है, क्लियर हो रहा है जी। 25 हमारा यहाँ तक आ रहा है जी, और ऊपर से कितना है जी, ऊपर से हमारा कितना, ऊपर से ये वाला 20 है जी। तो यहाँ से हम लोग 20 हाइट ले लेंगे, क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ये वाला लाइन हमारा कौन सा हो गया जी, इस लाइन को यहाँ पे दिखाएं, देन ये वाला लाइन हमारा ऊपर वाला लाइन हो गया, क्लियर हुआ इतना। उसके बाद देखिए ये वाला अंदर कितना गया जी, 10 गया है जी। तो किस में गया है जी, तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला होल इसी में गया है जी, किस में, इस लाइन में गया है, सॉरी ये वाला लाइन वास्तविक में ये वाला जाएगा तो यहाँ पर जाएगा, क्लियर हो रहा है जी। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे ये वाला 10, सॉरी जी ये एक्स्ट्रा लाइन ये हो गया जी, देखिएगा ये वाला हमारा क्या हो जाए, इतना 5 mm का ये एक्स्ट्रा, ये हम लोग ग्राफ में चले गए जी, तो ग्राफ में नहीं जाना है, तो ध्यान से देख के बनाइएगा। देखिए हम यहाँ पे गलती हो रहे हैं जी, तो आप लोग भी गलती हो सकते हैं जी, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉपर ध्यान में रख के देखिए, हम थोड़ा हो गया इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला जब गया है जी अंदर, तो देखिए इसके जस्ट इसको साइड से देखने पर ये वाला भी पार्ट दिखाई देगा पतला वाला छोटा सा, तो ये 5 mm का है जी। तो यही पार्ट यहाँ पे क्या है, छिपा हुआ भाग है, छिपे हुए भाग को किससे, हिडन लाइन से दिखाते हैं, क्लियर हो रहा है जी।
उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब ये वाला पार्ट है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में ये वाला भी पार्ट है, तो इसको हम लोग कहाँ से यहाँ पे हिडन से दिखाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, छिपा हुआ भाग है ना जी इसमें जी, इधर से देखिएगा पूरा स्लेप है, लेकिन ये क्या है जी अंदर की तरह छिपा हुआ भाग है, तो उसको भी प्रॉपर हम लोग दिखा देंगे। आज सेम कंडीशन इसको भी ऊपर वाला को देखिए, अभी आप लोगों को समझाएंगे। देखिए ये कौन सा दिखाएं, देखिए 20 के ऊपर ना ये वाला कॉलम बना है जी, ये वाला जो पतला सा कॉलम बना है जी, कितना का है ये वाला हमारा 20 बाई 5 का है, तो हमारा 20 तो ये है और 5 हमारा हाइट है, क्लियर हो रहा है जी। तो इतना तक हमारा क्या होना, फ्रंट बन गया और साइड बन गया जी, क्लियर हुआ फ्रंट और साइड। देन हम आपको क्या बनाएंगे, टॉप बनाएंगे जी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका डायमेंशनिंग कर देते हैं जी, तो आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी जी। तो डायमेंशन आपको क्या आता है जी, 5:10 का ही रेशियो लेके बनाते हैं जी, क्लियर हो रहा है जी। तो 5:10 का ही रेशियो लेके बनाएंगे जी यहाँ से। देन ये वाला क्या होगा जी, सबको एक दूसरे से यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से देखिए देखिए प्रॉपर यहाँ से सबको सब मिल रहा है जी। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है जी, ये वाला हमारा 20 है, देन 5 है, ये 5 है और 5 है, उसके बाद ये वाला 15, तो 15 दूना 30 और 20 कितना हुआ जी हमारा, 50 हो गया जी। और उसके बाद इस लाइन को यहाँ से हम आगे की तरफ, देन इसको भी यहाँ से आगे की तरफ बढ़ा देंगे। उसके बाद हर पार्ट को जो जैसे है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, ये सब एरो हेड हम लोग प्रॉपर यहाँ पे दिखा देते, ये वाला 20 है, ये वाला 5 है, देन ये वाला 5 है, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो भी पार्ट है जी, हर पार्ट को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। थोड़ा सा कंजस्टेड फिगर हो रहा है तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी, नहीं क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप का देखिए एग्जाम में कोई वाला फिगर वगैरह नहीं रहता है, यहीं लगभग सेम लगभग क्वेश्चन इसी टाइप का आता है जी, इसी में बच्चा सब क्या आता है जी, घबरा जाते हैं सब, नहीं बन पाता है किसी से। तो ये वाला देखिए यहाँ से प्रॉपर सबको यहाँ से दिखा देंगे, ये वाला 5 5, उसके बाद 10 10 10 और 5 और 5, क्लियर हुआ जी। तो ये हमारा सबको काउंट 10 10 20 10 30 10 40 और 10 50, ये वाला हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू, तो इसको फ्रंट व्यू के दिखा देंगे। ये वाला हमारा कौन सा है जी, साइड व्यू, तो हमारा फ्रंट व्यू भी बन गया और साइड व्यू भी रेडी हो गया जी, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे अब हमको क्या बनाना है जी, तो टॉप व्यू हमको अब यहाँ पे टॉप व्यू को बनाएंगे। तो टॉप व्यू बनाने से पहले हम आप लोगों को बताए थे साइड के जस्ट ऊपर क्या बनाते हैं, चेकिंग बॉक्स, और चेकिंग बॉक्स का एंगल कितना डिग्री का होता है जी, चेकिंग बॉक्स में एंगल 45 डिग्री का एंगल होता है जी। तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएंगे जी, 45 डिग्री का एंगल यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देन ये वाला साइड वाला जो भी लाइन है जी, सबको ये 45 डिग्री एंगल पे ले जाकर ये टच करेंगे जी, और जहाँ टच करेगा वहीं से क्या हो जाएगा जी, मूव कर जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जी, जैसे देखिए ये वाला हमारा यहाँ पे लाइन आके टच हुआ है, तो यहाँ पे आने के बाद इसको क्या कीजिए, प्रॉपर यहाँ से इसको मूव कर देंगे ऐसे जी, क्लियर हो रहा है जी। सेम काम ऊपर भी वहीं करेंगे जी, ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट, फिर इसको भी मूव कर देंगे। देन ये वाला भी पॉइंट है हमारा, इसको यहाँ से, तो इसको सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखिए, और देन इसको रखने के बाद यहाँ से मूव कर दीजिए, क्लियर हुआ जी। अब इतना करने के बाद यहाँ से अब इसको डार्क हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये वाला दोनों साइड में कितना है जी, दोनों बगल हमारा, तो यहाँ पे ये देखिए दोनों साइड में हमारा ये 30 30 है, तो इसको प्रॉपर डार्क कर देंगे। देन डार्क करने के बाद आगे ध्यान, ये वाला पूरा लाइन हमको क्या करेंगे जी, यहाँ से डार्क करेंगे, समझ में आ रहा है जी। उसके बाद एक पॉइंट नोट कीजिएगा जी, यहाँ से आप लोग देखिए ऊपर से देखने में इधर से भी 20 और इधर से भी 20, तो दोनों साइड से हम कितना ले लेंगे जी, 20 20 ले लेंगे, और बीच में कितना गैप है जी 10 का, तो 10 का हम यहाँ पे रहने दे, देखिए उसका मेजरमेंट यहाँ पे दिखाएं जी। तो सबसे पहले हम इसको, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला पतला ले एक दो, दोनों साइड में 5 5 mm का ये कॉलम बना है जी, तो इसको सबसे पहले हम लोग बना देंगे, क्लियर हुआ जी। अब उसके बाद ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट है, ये क्या है जी आपका पूरा ओपन है जी, यहाँ पे ओपन है जी, तो यहाँ से टॉप से दिखने पे क्या होगा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ से इतना रहने देंगे। उसके बाद ध्यान देंगे जी आगे, उसके बाद ये वाला पार्ट आपका दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, तो उसको देखिए कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा जी, यहाँ पे फिगर को दोनों साइड से 10 10, और देन उसके बाद ये वाला बीच में ये कितना है 30 है, क्लियर हो रहा है जी। तो देखिए ये वाला पार्ट हुआ, देन ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हिडन लाइन भी है, तो समझेंगे हिडन कैसे होगा जी। देखिए टॉप से देखने पर हमको
क्या होगा जी, एक भाग दिखाई देगा जी ये वाला पार्ट हमारा। तो नीचे क्या है जी, ये तो नीचे आर्च टाइप का निकला, लेकिन नीचे क्या स्पेस खाली रहेगा, तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हिडन लाइन का यूज कर रहे हैं। क्लियर हुआ जी? तो यहाँ पे वो हिडन लाइन का, उसके बाद एक पॉइंट और नोट कीजिएगा, ये वाला है जो स्लेप, ये वाला जो भाग है यहाँ पे जो गैपिंग है, तो उसको भी यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग हिडन से दिखा देंगे। क्लियर हुआ जी? तो हमारा क्या हुआ जी, 100% फिगर बन के हमारा रेडी हो गया जी। अब यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे, ये वाला हमारा क्या है हो गया जी, टॉप व्यू या प्लान व्यू जी। देखिए इसी टाइप का एग्जाम में, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है जी, तो थोड़ा सा कंजस्टेड फिगर आता है जी, और यही बच्चा सबको बनाने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है जी। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए लोग, और देन प्रैक्टिस करने के बाद ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। क्लियर हुआ जी? अब यहाँ पे लिख दिया जाता है जी, ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है जी। तो ये हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के रेडी हो गया जी। तो ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं जी, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, यानी ये वाला आइसोमेट्रिक व्यू है, इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। वो फर्स्ट में दिखाना है जी फ्रंट व्यू, देन साइड व्यू, देन टॉप व्यू। यानी फ्रंट व्यू से देखने पे कौन कौन सा पार्ट दिखाई देगा, साइड से देखने पे कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा है, और टॉप से भी देखने पे कौन सा पार्ट दिखाई देगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या जी, इस क्वेश्चन को ड्रॉ करने से पहले हम लोग जी एक ग्राफ बनाएंगे जी, ग्राफ। तो ग्राफ देखिए कैसे, ग्राफ बनाने के लिए, और जिनको नहीं आता है जो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट से जाकर देखिए, वहाँ पे जो फर्स्ट में वीडियो जो डाला गया है जी ऑर्थोग्राफी का, वहाँ पे बताया गया है जी टोटल कैसे ग्राफ, इस ग्राफ को ड्रॉ कीजिए। क्लियर हुआ जी? तो आगे की तरफ बढ़ते हैं जी, टाइम आप लोग का ज़्यादा न लेते हुए। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या है जी, यहाँ पे आपको कोई भी ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले हम यहाँ पे एक काल्पनिक क्या करते हैं जी, एक यहाँ पे रफ करते हैं जी कि हमारा कौन सा व्यू कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर ध्यान में दीजिएगा, ये वाला हमारा फर्स्ट एंगल है जी, थर्ड एंगल में था जी जो जिधर था उसके हिसाब से वैसा ही बन जाता है। लेकिन क्या होता है जी, फर्स्ट एंगल में अगर हमारा लेफ्ट साइड में फ्रंट व्यू है, तो हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये लेफ्ट साइड हमारा कहाँ बनेगा, राइट साइड के ऊपर बनेगा। तो राइट साइड के ऊपर बनता है जी फ्रंट व्यू। क्लियर हुआ जी? जब फ्रंट व्यू हमको क्लियर हो गया, तो जानते हैं फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या बनता है जी, साइड व्यू, और फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे क्या बनता है जी, हमारा टॉप व्यू। क्लियर हुआ जी? तो हमारा फिगर, ये जो ग्राफ हम रफ वर्क किए इसके हिसाब से बनेगा जी। तो हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ पे थोड़ा सा दिखिएगा, यहाँ पे आप लोग अगर वॉइस अगर सही से नहीं आता होगा तो बोलिएगा लो जी, नेक्स्ट टाइम से हो सके वॉइस में भी सुधार किया जाएगा। देखिए ध्यान से, अब फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये ज्ञात करते हैं जी फ्रंट व्यू का, इसमें टोटल बेस कितना दिया है जी, फ्रंट व्यू का टोटल बेस 50 है और हाइट टोटल भी 50 है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये मेजरमेंट ले लेते हैं जी, फ्रंट व्यू का टोटल हमारा 50 है, उसके बाद जो भी 50 है उसको हम लोग यहाँ पे दूरी ले लेंगे जी, जो भी मार्किंग पॉइंट है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे जी, ये वाला पॉइंट ये वाला हो गया जी, तो यहाँ से हम लोग ये वाला मार्किंग कर लिए। उसके बाद ध्यान से देख, ये वाला देखिए इतना छोटा छोटा मार्किंग किया, देखिए 5, 10, 5, 5 का इस तरह का मार्किंग है, तो इसलिए हम लोग उतना कर लिए हैं जी। उसके बाद देखिए ये टोटल 50 ही होना चाहिए, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक मेरा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या होगा जी, यहाँ पे एक्स्ट्रा बूंदा आ गया जी, मार्किंग कर दिए, तो इसको हम लोग रहने देंगे जी। उसके बाद देखिए टोटल हाइट कितना है जी, टोटल हाइट भी हमारा कितना है, 50 ही है जी। तो सबसे पहले 50 मार्किंग कर लीजिए, उसके 50 मार्किंग करने के बाद ऊपर से कितना है जी, 20 है, देन ये है। क्लियर हो रहा है जी? तो 10, 10, 20, देखिए इतना मार्किंग है हमारा यहाँ से जी। अब ध्यान से देखिए, अब साइड का देखिएगा, साइड का टोटल देखिएगा 20, और ये देखिए ये भी 10 इधर निकला हुआ है, तो 20, 10 कितना हो गया जी हमारा, 30 हो गया। तो साइड का टोटल बेस कितना है जी, 30 है। क्लियर हुआ? तो हम साइड का टोटल बेस 30 ले लेंगे यहाँ से और यहाँ तक। क्लियर हो रहा है जी? उसके बाद ध्यान से देखेंगे, अब सेट स्क्वायर को नीचे बैठाइए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो भी मार्किंग करनी है सबको सेट स्क्वायर से बैठा कर यहाँ पे सबको परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर ये जो भी मार्किंग किए हैं जी, सबको यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे जी। देखिए जो भी पॉइंट है जी सभी से, ये वाला यहाँ से देखिए, क्लियर हुआ जी? उसके बाद ये वाला पार्ट है यहाँ से, देखिए यहाँ से जो भी मार्किंग किए हैं जी, जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी से हम लोग लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो रहा है जी? देखिए जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो देखेंगे ध्यान से जी, वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर करके देखिएगा, तब आप लोगों को काफ़ी बेटर समझ में आएगा जी, ऐसे आप लोगों को ज़्यादा क्लियर नहीं होगा जी। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जी आप लोगों को बनाने में। देखिए
ये वाला सभी से हम लोग मार्किंग कर दिए। देन मार्किंग करने के बाद ये जो एक्स एक्सिस है इसके समानांतर ये जो मार्किंग किए हैं सभी से हम लोग लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देंगे जी। यहाँ से सभी को प्रॉपर यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे जी। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से इस पॉइंट को ये वाला, देन उसके बाद इस पॉइंट को भी यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। देखिएगा ध्यान से जी, ये जो भी मार्किंग पॉइंट है सभी से ड्रॉ करेंगे जी। ये देखिए यहाँ से ये जो दूरी है जी, यहाँ से ये जो पॉइंट है जी, यहाँ से ध्यान से देखिएगा प्रॉपर, ये वाला पार्ट हमारा, देन उसके बाद ये वाला है जी। अब मार्किंग यहाँ से कर देने के बाद अब हम यहाँ से देखेंगे, ये वाला हो गया हमारा, सॉरी जी, इसको हम यहीं से कर दें, इसको आगे की तरफ भी, इसको प्रॉपर आगे की तरफ भी बढ़ाना है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखेंगे मार्किंग सबसे पहले हम लोग करेंगे जी। तो मार्किंग देखिए, हमको फ्रंट व्यू सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो फ्रंट व्यू का टोटल ये दूरी हमारा, ये फ्रंट व्यू का टोटल ये दूरी हुआ जी, देन ये वाला दूरी हुआ, क्लियर हुआ जी। उसके बाद इतना करने के बाद आगे ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से, तो इसको देखिए फ्रंट व्यू को हम लोग ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, फ्रंट व्यू का जो भी मेजरमेंट था जी, यहाँ पे देखिए फ्रंट व्यू से सबसे पहले हमको ये वाला तो लाइन हो गया जी, और ये वाला लाइन हो गया, सॉरी ये वाला भी नहीं हुआ। इधर से देखिए, इधर से 5 mm और इधर से 5 mm है, तो हम लोग दोनों साइड से हम लोग 5 mm का दूरी ले लेते हैं। उसके बाद ध्यान, ऊपर से हाइट कितना है जी, 20 है, तो यहाँ से 20 है, तो ये आपका ऊपर से हाइट हमारा 20 है जी। तो 20 आके हमारा यहाँ से, देन उसके बाद ये यहाँ से हमको क्या हुआ जी, यहाँ से सबको ये 90 डिग्री पे चला, सॉरी यहाँ पे देखिए जी गड़बड़ा गया, ये 20 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना है, 15, 5, 20 आए, तो हम 10 ही पे भी घुमा दिए जी, तो गलत हमारा हो गया। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये वाला पार्ट हमारा, यहाँ से इसको ड्रॉ कर देंगे जी। तो यहाँ से हम हाइट कितना ले लेंगे जी, देखिए ये वाला पार्ट है, इसको ये वाला ड्रॉ कर देंगे, देन ये वाला, देखिए दोनों साइड से, देखिए दोनों बगल से, इधर से भी ये पार्ट बना, देन ये भी पार्ट है, तो दोनों साइड से ये पार्ट बन गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये 5 mm का गैप लेने के बाद एक वाला ये कॉलम बना, ये और ये, तो उसको 5 mm का गैप लेते हुए, यहाँ से गैप लेते हुए यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। देखिए ध्यान से, तो हमारा ये बॉक्स कौन सा, ये वाला ड्रॉ, दोनों साइड में 10-10 का है गैप, तो दोनों साइड में हम लोग 10-10 का ये ले लिए, क्लियर हो गया जी। फ्रंट व्यू से देखने पे हमको बस इतना ही पार्ट हमको ऐसा ही सेम टू सेम पार्ट दिखाई देगा, क्लियर हो रहा है जी। तो फ्रंट व्यू से इतना तक हम लोग समझ गए। उसके बाद देखिए साइड व्यू का, देखिए साइड व्यू से ये 20 और 10 30, तो 30 हमारा ये हो गया जी टोटल। तो देखेंगे यहाँ से 30 हम लोग का ये दूरी हो गया जी, यहाँ से 20 है और फर्स्ट यहाँ से 20 है, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो हाइट है जी इसका, ये कितना है हमारा, ये है, और देन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर से हमारा 25 है, ऊपर से 20, तो हम ध्यान देंगे जी, ऊपर से हम लोग 20 और ये वाला हमारा ये हुआ, और उसके बाद ये देखिए अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ से मिला देंगे, क्लियर हुआ जी। तो ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला जो पार्ट बना है जी, देखिए अब इसी में ये क्या है, ये 5 mm का ये पार्ट छिपा हुआ है, तो यहाँ से 5 mm का भी पार्ट हम लोग यहाँ पे, तो ये वाला क्या हिडन से हम लोग दिखा देंगे, क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद यहाँ से ये देखिए, ऊपर से 20 है, उसके बाद ये वाला कॉलम बना है 20 के ऊपर ही गया, तो यहाँ से जो बना है जी इसको हम लोग हिडन से दिखा देंगे, ये वाला पार्ट, तो इस पार्ट को हम लोग बना देंगे, क्लियर हो रहा है जी। अब देन इतना क्लियर होने के बाद हमारा ये फ्रंट बन गया, ये साइड बन गया, क्लियर हुआ जी। अब इसको हम लोग डायमेंशनिंग कर देंगे जी। तो डायमेंशनिंग देखिए कैसे करेंगे जी, तो डायमेंशनिंग में थोड़ा सा ध्यान देंगे जी। यहाँ पे ये यहाँ से ये वाला पार्ट, देन यहाँ पे ये वाला पार्ट, देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट, क्लियर हुआ जी। अब यहाँ से इसको सबसे पहले तो हम यहाँ से डायमेंशन, इसको ये तो एक्सटेंशन लाइन है, देन ये वाला हमारा क्या हो गया जी, ये डायमेंशन लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर चुके जी। यहाँ पे ये वाला हमारा डायमेंशन लाइन है, इसका हाइट टोटल कितना है जी, ये हाइट है हमारा ये 15 है, ये 5, देन 5 और ये 5 और उसके बाद ये 20, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला जो लाइन है जी, इसको हम लोग प्रॉपर यहाँ से इस तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे, देन यहाँ से ये वाला लाइन ड्रॉ करें, क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये एरो हेड देखिए यहाँ से,
देखिए ये प्रॉपर एरो हेड, ये 5 5 10 10 10, ये 5 देन 5, क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये वाला पार्ट देखिएगा, ये दोनों साइड में कितना है, ये 5 है, ये 5 है, और उसके बाद ये वाला 20, क्लियर हो रहा है जी। थोड़ा सा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता होगा तो जूम कर लीजिएगा जी, जूम करके भी देख सकते हैं जी। तो थोड़ा सा ये क्या है, कंजस्टेड फिगर है, इसलिए थोड़ा सा फ्रेश नहीं दिखता होगा, तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। ये तो हमारा साइड व्यू है, देन ये वाला हमारा क्या है जी, फ्रंट व्यू है जी, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है, क्लियर हो जाए। तो साइड व्यू और देन फ्रंट व्यू हमारा बन गया जी। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, साइड व्यू के जस्ट अपोजिट साइड में क्या बनता है हमारा जी, जस्ट ऊपर या नीचे बनता है हमारा, ये आपका चेकिंग बॉक्स बनता है। तो चेकिंग बॉक्स को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले यहाँ से ध्यान देंगे जी, 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए, देन यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने से यहाँ से देखिए ये वाला, अब यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन सबको ड्रॉ करेंगे यहाँ से, देखिएगा देखिए ये वाला पार्ट, देन ये वाला होने के बाद इसको देखिए, अब ये वाला जो फ्रंट व्यू वाला है जी, फ्रंट व्यू का जो भी लाइन है जी, सबको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, यानी परपेंडिकुलर लाइन नीचे की तरफ बढ़ाएंगे जी, क्योंकि टॉप व्यू हम लोग को क्या करना है जी, ड्रॉ करना है, तो टॉप व्यू भी उसी की सहायता से करेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग सेट स्क्वायर को यहाँ पे रखेंगे, और देन सेट स्क्वायर को रखने के बाद यहाँ से देखिए ये वाला बेस लाइन है जी, ये वाला पार्ट हुआ, देन ये वाला हमारा, इसको भी हम लोग दिखा देंगे जी। उसके बाद देखिए यहाँ से इस पार्ट को भी हम लोग दिखा देंगे, क्लियर हो रहा है जी। अब उसके बाद देंगे डार्क करते समय यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो हमारा साइड भी और फ्रंट भी हमारा बन गया जी। अब टॉप व्यू देखिए, टॉप व्यू से देखने पे हमको ये वाला सबसे पहले तो ये वाला पार्ट पूरा दिखाई देगा जी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लेके और यहाँ तक हम लोग डार्क कर ले रहे हैं जी, क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इतना करने के बाद ये वाला पार्ट, देन ये वाला पार्ट, देखिए यहाँ से इसको हम लोग यहाँ से दिखा देंगे। उसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ पे इधर से 20 और इधर से भी 20 है, तो देखिए हम यहाँ पे डायमेंशन दिखाए जी, तो दोनों साइड से 20 20। उसके बाद इस पार्ट को क्या हुआ है जी, यहाँ से हम लोग दिखाएं टॉप से, देखिए देखने पे हमको इतना दिखाई। उसके बाद ये 5 5 mm का क्या होगा जी, दोनों साइड में ये वाला कॉलम दिखाई देगा, और देन ये वाला, देखिए ये कौन सा कॉलम है जी, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, और देन ये वाला जो दिखाएं सो ये है, फिर इधर से देखते हैं ये थोड़ा सा क्या है, छिप गया है, तो ये साइंस सेम टू सेम इधर से भी दिखाई देगा, तो वो पार्ट यहाँ पे बना, क्लियर हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब नीचे आकर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से ये वाला आया, तो ये भी क्या निकला हुआ भाग, क्या है जी, निकला हुआ भाग है यहाँ से, तो ये कितना है जी, दोनों साइड में 10 10 निकला हुआ है, तो क्लियर हुआ। देन यहाँ पे बीच में कितना है जी, देखिए इस टाइप में हमारा, देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो गया जी, क्लियर हुआ। तो ये वाला हमारा क्या हुआ, टॉप व्यू बने। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे जो ये पार्ट है जी, ये जो है ऊपर से, तो हमको ये क्या है जी, लेकिन ये क्या नीचे क्या खोखला टाइप का है, नीचे खोखला टाइप का है, तो जो खोखला है तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से हिडन से हमको, यानी छिपा हुआ भाग है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हिडन हम लोग दिखा देंगे, क्लियर हो रहा है जी। देन दिखाने के बाद यहाँ पर भी हम लोग हिडन लाइन दिखा देंगे, क्लियर हुआ जी। अब ये वाला फिगर हमारा क्या हुआ जी, 100% बन के रेडी होगा। इसको टॉप या प्लान के भी नाम से जाना जाता है, टॉप या प्लान व्यू के नाम से जानते हैं जी। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, फिगर बन के इतना तक रेडी हो गया जी। तो ये वाला हमारा फर्स्ट एंगल, अब यहाँ पे लिख दिया जाता है नीचे जी, नीचे एक पॉइंट डाल देते हैं जी, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑल डाइमेंशंस आर इन mm, यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया जी, वो सभी के सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये वाला हम लोग को हमारा बन गया जी। हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व किए थे जी, ये क्या है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये क्या है जी, हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, सेम टू सेम जैसे यहाँ पे ग्राफ बना है जी, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू हमारा ये कहाँ चला गया है जी, फर्स्ट एंगल में कॉर्नर पे आ गया, सेम टू सेम देख रहे हैं जी, सेम टू सेम मेजरमेंट यहाँ पे चला है। जैसे यहाँ पे साइड व्यू है, तो थर्ड एंगल में क्या हुआ, साइड व्यू हमारा ये कॉर्नर पे यहाँ पे आ गया जी, कहाँ पे जी, फर्स्ट एंगल में, लेकिन दिशा वही है, सेम टू सेम व्यू हमारा यहीं पे बन गया, क्लियर हो रहा है जी। उसके बाद ये टॉप व्यू है जी, तो टॉप व्यू हमारा कहाँ आ गया जी, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप व्यू नीचे आ गया। तो इतना तक क्लियर हुआ जी। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का क्वेश्चन को लेकर।